11 महीने पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़े विश्वास के साथ में दिया कि पिपरिया और उसके आसपास का क्षेत्र मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस में हो, मजबूत किया। जब संगठन मजबूत हुआ तो इतनी जागृति आई उस क्षेत्र में कि जो लोग बहुत बड़ी चुनौती थी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जो प्रतिष्ठित लोग थे वो चुनाव में हारे, धोखे से सरकार गिराई गई। गिरने के बाद 4 साल तक आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पूरे प्रदेश में लोगों को जागृत किया, सत्य की जीत के लिए उन्होंने प्रयास किया। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव परिणाम कांग्रेस में होगा। कांग्रेस के नर्मदापुरम संभाग प्रभारी अनिल मार्टिन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बेरोजगारों के लिए महंगाई से निपटने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उसे प्रदेश की जनता का नया भविष्य बनेगा। अनिल मार्टिन ने कहा कि नर्मदापुरम संभाग प्रभारी बनने पर सबसे पहले उन्होंने संगठन को मजबूत किया। मंडलम बूथ लेवल तक उन्होंने सक्रिय पदाधिकारी को नियुक्त किया, विशेषकर पिपरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास किया गया। पिपरिया विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा से लगा हुआ है और छिंदवाड़ा की 7 सीटों के साथ ही पिपरिया से भी इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अनिल मार्टिन ने कहा कि 2018 में कांग्रेस सरकार बनने पर कमलनाथ जी ने प्रदेश के लिए रोजगारों के लिए महंगाई से निपटने के लिए जो योजना बनाई है, वह प्रदेश का भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा उनका 11 महीने पहले नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से 16-16 घंटे रोज जनता के बीच सक्रिय रहे। आगामी 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस में होंगे और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। बनी रही द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। किस तरीके का रुझान मिला और क्या परिवर्तन देखने को मिला? देखिए, पिछले 25 वर्षों से वहाँ कांग्रेस नहीं है और जिला नर्मदापुरम में ही कांग्रेस का करीब करीब सफाया था। जब मुझे जिम्मेदारी 11 महीने पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़े विश्वास के साथ में दिया कि पिपरिया और उसके आसपास का क्षेत्र मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस में हो, क्योंकि छिंदवाड़ा से वो लगी हुई सीट है। 7 विधानसभा सीटों के साथ 8वीं विधानसभा 139 पिपरिया साहब ने अपेक्षा की कि वो सीट कांग्रेस के पक्ष में आए। मैं जब गया वहाँ पर तो पुराने पदाधिकारी जो निष्क्रिय थे, शिथिल थे, जागृत नहीं थे, उनको बदलते हुए हमने ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम, सेक्टर, बीएलए, बूथ लेवल, सारे संगठन को मजबूत किया। जब संगठन मजबूत हुआ तो इतनी जागृति आई उस क्षेत्र में कि जो लोग घर बैठे हुए थे, और असल में बात ये थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी तो वहाँ नहीं है, लेकिन वो सुरक्षित सीट है, एसटी सीट है। वो एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े दिग्गज वहाँ से चुनाव हारे थे और आज उनको हार का सामना करना पड़ा था। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? बहुत बड़ी चुनौती थी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही जो प्रतिष्ठित लोग थे वो चुनाव में हारे। उसका इस बार क्या? इस बार तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि एक अद्भुत परिवर्तन की लहर थी। मुख्य बात ये थी कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जिस बात को लेकर के एक चुनौती के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था, वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री करके चुना था, सरकार हमारी बनी थी, धोखा दिया गया, धोखे से सरकार गिराई गई। गिरने के बाद 4 साल तक आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पूरे प्रदेश में लोगों को जागृत किया, सत्य की जीत के लिए उन्होंने प्रयास किया, और संगठनात्मक रूप से जैसे कर्नाटक में चुनाव हुआ था उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में उन्होंने संगठन को मजबूत किया। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ जी का जन्मदिन भी है, आज आप लोग बधाई देने आए हैं, क्या संदेश रहेंगे क्या उनके लिए? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। सबसे मुख्य बात यह है, प्रदेश की जनता कांग्रेस में है और कमलनाथ जी के ऊपर उन्होंने विश्वास की है। हम प्रदेश की ओर से उनको, क्रिश्चियन समाज की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। 77 वर्ष की उम्र में उन्होंने 16-16 घंटे इस प्रदेश को नई दिशा देने के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और महंगाई को नियंत्रण करने के लिए विशेष तिथि से जो योजना बनाई, ये आप देखिएगा, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो वो कांग्रेस में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।